हेलो खमागनी सबकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। तो आज मैं आई हूँ एक सैलून में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इन दो तीन दिनों में, आने वाले दो तीन दिनों में मैं मैटरनिटी फ़ोटोशूट करवा लेती हूँ। तो मैं सैलून इसलिए आई हूँ ताकि मुझे वैक्स भी करवानी थी, फोरहेड पे भी बाल आ रहे हैं, अपर लिप्स छोटी मोटी चीज़ें करवानी थी, और मोस्टली तो मुझे वैक्स ही करवानी थी। तो मैंने सोचा सैलून आ जाती हूँ ताकि उसके बाद एटलीस्ट मैं ये सोच पाऊंगी कि मैं क्या पहनूं। पहले ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आज शाम को कोशिश करूँगी कि कहीं जाऊँ किसी डिज़ाइनर के पास, और अगर कुछ समझ आए कोई ड्रेसेस या गाउन, अगर जा पाई तो मैं जाऊँगी शाम को, वरना मैं सोच रही हूँ फिर कि जो मेरे पास अवेलेबल है उनसे ही फ़ोटोशूट करवा लूँ, या लेट्स सी मैं क्या करने वाली हूँ। अभी मुझे कुछ खुद को भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या करूँगी, लेकिन हाँ मैं सोच रही हूँ कि इन दो तीन दिनों में ना मैं फ़ोटोशूट तो करवा ही लेती हूँ, भले ही मैं फ़ोटोग्राफर के थ्रू करवाऊँ या हम खुद ही फ़ोन से क्लिक करें। वो भी अभी मेरे माइंड में कुछ एग्जैक्टली प्लान नहीं है, मैं और उनको इस बारे में भी डिस्कस ही कर रहे हैं अभी, तो देखते हैं क्या होता है। पहले मैं सैलून से फ्री हो जाती हूँ, वैक्स करवाती हूँ, और चलिए उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो बाय आप दोनों को, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी सर्विस देने के लिए। संगीता और लक्ष्मी, बाय। चलो गाइस, थैंक यू, मुझे वो भी लेने आ गए। बाय बाय, खाना खा लो चलो अभी। ओके हाँ, अच्छा मैं भूल गई थी क्या, थैंक यू। मैं किस किस को थैंक यू बोलूँ, हुकुम आप मुझे लेने आए हो उसके लिए भी थैंक यू। बढ़िया बढ़िया बेटा। तो आज घर पे कौन कौन आया है मैं दिखाती हूँ। ये है हमारे प्यारे से देवर बना, निकू बना, और ये पूजा भाई साहब, और दादी साहब हुकुम सो रहे हैं, वरना दादी साहब एंटरटेन करते पर दादी साहब हुकुम सो रहे हैं, और मासी साहब हुकुम भी आए हैं, गुंजू भाई साहब, और बेबू हमारे कंटिन्यू रो रही है कि दादी साहब मेरे हैं। नहीं नहीं बेबू के, दादी सा बेबू के, बेबू दादी सा बेबू के, आप जाओ दादी सा के पास जाओ, वापस करना भाई साहब, वापस करना। बेबू बोलो, मुझे नहीं पता, बस दादी सा इनके हैं, बस दादी सा आपके, दादी सा ये भी मेरी है ना, नहीं है आपकी है, चलो नहीं नहीं इसकी मौसी है, तो इनकी मौसी, ये मेरी मेरी बेबू मोरनी बनके आपका फेवरेट सॉन्ग है, मोरनी बनके चाहिए, देख जो देख जो। बेबू कर दो डांस, कर दो, कर लियो है ना, बेबू सबको बाय कर दो बेटा, बेबू सबको बाय कर दो, बेबू बाय तो करो सबको, बाय कर दो, सब चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे सब, बाय। चलो आ जाओ में, बाय बाय, झूले में जा रहे हो ना आप, झूले में बेबू करो, बेबू आप, बेबू बेबू आपकी फेवरेट बुई जा रही है बेटा, आपकी आपकी फेवरेट बुई जा रही है, आपकी बुई जा रही है, गुंजन भाई से रह जाओ ना, मैंने तो दो तीन दिन रह जाओ ना यार, कपड़ा और आप मेरे पहन लेना,
चलो फिर सब चले, क्या करूं, चले चलो भाई चलते हैं। मासी साहु कुम भाई साहब सबको ड्रॉप करने के बाद फिर मैं ऑफिस चली गई और अब मैं जस्ट ऑफिस से आ ही रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें अभी भी बाकी थी, शॉपिंग करने भी बाकी थी, तो मुझे राय ब्यूटी नजर आ गया। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं कुछ और चीजें भी देख लेती हूँ न्यू बॉर्न बेबी के लिए। रॉम्पर मुझे चाहिए थे ताकि यू नो मैं रात को पहना के सुला दूंगी बेबी को, ताकि मच्छर वच्छर नहीं खाएंगे। पर वही है कि रॉम्पर्स की ना साइज थोड़ी बड़ी आती है, मतलब 0 to 3 months वाले में भी ना साइज ऐसी आती है जो न्यूबॉर्न बेबी को नहीं पहना पाते हो आप, मतलब काफी लूज रहेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर इनके पास प्री मेच्योर बेबी का अगर साइज मिल जाए तो मेरे लिए इजी रहेगा। तो चलिए चलते हैं राय ब्यूटी और देखते हैं कि क्या मिलता है। मुझे कुछ समझ आता है कि इसके अलावा भी कुछ समझ आएगा तो ले लूंगी, पर फिलहाल तो माइंड में यही है कि आज रॉम्पर तो मैं ले ही लेती हूँ बेबी के लिए। चलिए चलते हैं। तो फिर मुझे बाथ टब या कुछ ऐसा देख लेती हूँ जो कुछ और समझ आ जाए। तो आज बहुत दिन हो गए थे और वैसे तो ना मुझे अभी हुकुम वगैरह सब मना कर रहे थे कि पिज्ज़ा और बाहर की चीज़ें कुछ भी नहीं खानी है, पर आज बहुत मन कर रहा था तो मैंने ऑर्डर किया है। तो चलिए पिक करने चलते हैं और फिर खाएंगे। मैं ब्लॉग बनाती हूँ एक्चुअली। कोई दिक्कत नहीं है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। साथ में कुछ और आया है, एक आई थिंक कुछ और भी ऑर्डर किया था ना। हाँ गार्लिक ब्रेड। ओके, गिर तो नहीं जाएगा ना कुछ, पता चले यहीं ब्लॉग बन जाए। ओके थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे पिज्जा आ गए पापा, हम पिज्जा पार्टी करेंगे। ये डैडू थोड़े 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 सब खा लेंगे, हमारा बेबू भी खाएगा। बेबू खाएंगे ना पिज्जा, बेबू आपको खाना है पिज्जा। बेबू आपके लिए मैंने गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किए, पता है आपको, आपके नंबर से कैसे किया भाभी को, हमने तो हमारे नंबर से किया था, फोन आया ना अभी आपके पास, हुकुम ने किया। बेबू देखो मैंने आपके लिए क्या ऑर्डर किया है। क्या खाएगा, ये खाएगा ना बेबू, गार्लिक ब्रेड। कैसे हंस रहा है। लो। नहीं 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 बेबू, चाकू 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 से पहले इसको कर दो ना, थोड़ा अलग अलग कर दो। हमारे डैडो का हिसाब किताब चल रहा है। मेरे का तुम खाए रहो, अभी मेरे को दूसरा काम करना है। ठीक है डैडो। मम्मा आप तो फोन छोड़ दो, मैंने खाना बेबू खुद से खा रहे हो बेटा। एक नंबर लग रहा है मुझे तो, क्योंकि दूसरा नंबर वाला है, हैं? सब में डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है ना, सेम टेस्ट बना तो सेम ही होता, तो फिर एक साथ ही तीनों एक ही जैसे नहीं मंगा लेते क्या? ना ये भी है। किस में खत्म हो गया ये? क्या देखना है? आप ये खाओगे ना? खा लो खा लो खा लो खा लो। आप ये खाओगे ना? खाओ। वो क्या कर रहे हैं देखना? ऐसे खाओ। कान में खाओ। लो पिज़्ज़ा खा लो। लो लो। खाओ। आप मुंह खोलो। मुंह खोलो। अच्छा 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 अच्छा। एक। अरे वाह। कैसा है? अच्छा। कैसा ही? वाओ।
वाओ वाओ हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे नहीं है किसी का बर्थडे कर लो बेटा कर लो उन्होंने हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू देखो किसी का भी बर्थडे नहीं है दोबारा करेंगे हैप्पी बर्थडे दोबारा करो दोबारा 1 2 3 ये चेयर से ऊंचक नहीं जाए बेटा गिर जाएगा गिर कहां हूं वो फाइल दे दो आपकी कहां हूं वाओ 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 खाना तो डन हो गया अभी हमने खाना भी खा लिया पिज्जा भी खा लिया और हमारा बेबू कर रहा है मस्ती बेबू की आदत है बेबू जब भी फोटोज देखती ना तो सबके नाम लेने लग जाती है कि काकिसा है काकोसा है ये वो है तो ये सारी पिक्चर्स को देख देख के वो यही सब बोलते हैं सारी फोटोज को देख देख के क्योंकि आज मैंने शॉपिंग करी थी मैंने आपको दिखाया था कि मैं गई थी बाहर छोटे बेबी के लिए कुछ और चीजें भी लेने के लिए तो मैंने क्या क्या ली है वो मैं आपके साथ साथ मम्मा को उनको भी दिखाती हूँ क्योंकि मैंने मम्मा को भी नहीं दिखाई है मम्मा को भी मैं घर आने के बाद ही दिखाती हूँ चलो शुरू करते हैं अगर हमारा बेबू देख नहीं देगा चलो मैं एक एक करके चीजें दिखाती हूँ मैं रॉन्ग वाला से लेने तो ना लॉन्ग वाले गई थी फुल स्लीव्स के हों और पैरों तक कवर हो ताकि मैं नाइट में यूज कर पाऊँ लेकिन फिर से मुझे फुल स्लीव्स के नहीं मिले लेकिन हाँ ऑल्दो मुझे जो मिले हैं वो काफी ठीक मिल रहे हैं गर्मी भी अच्छे हैं फिर मैंने भी यही सोचा कि समर के हिसाब से ये ठीक है तो मैंने दो रोमपर ऑर्डर लिए वैसे कपड़े काफी हो गए हैं लेकिन फिर मैंने दो रोमपर ऑर्डर ले लिए हैं मैं दिखाऊंगी डिजाइन दिखाऊं आपको दिखाओ तो देखो मुझे ये स्टार वाला बहुत अच्छा लगा स्टार एक इससे देखो ये एनिमल बना हुआ हालांकि कैट है ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा जो भी है इसके अलावा मैंने क्या लिया मैं दिखाती हूँ पहली बार क्योंकि आपको पता है कि यू नो मैं भी एक नई मम्मा बन रही हूँ तो मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है साइज़ वगैरह का बट फिर भी मैंने उससे पूछ के कि कौन सा साइज़ कौन सा ब्रांड और काफ़ी सारे रिव्यू चेक करने के बाद मैंने पैम्पर उससे लिया था शॉप से न्यूबॉर्न बेबी के लिए लेट्स सी कि ये कैसा होगा और ये मैंने वैसा नहीं लिया मतलब सीधा पहनाने वाला नहीं लिया मैंने चिपकाने वाला लिया है ताकि वो भी अनकम्फर्टेबल ना रहे तो मैंने ये चिपकाने वाला लिया है और पता है कहते हैं कि ना न्यूबॉर्न बेबी की हेयरिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और उसके लिए आप उसको टाइम टाइम पर कैसे कैसे चीज़ें सुनाते रहो तो मामा देखो मैंने ये लिया है और इसका साउंड ना इरिटेट भी नहीं कर रहा आप सुनो देखो अच्छा लग रहा है देवी के लिए बाहर नहीं लेके आपका छोटा भाई बहन जो भी आएगा ना ये उसके लिए पहले काना खेलेगा फिर छोटा बेबी खेलेगा काना खेलेगा फिर बेबी खेलेगा हर कोई कह रहा था कि दूध की बोतल जो होती है ना अगर नीड पड़ती है ना तो डॉक्टर मांग ही लेते हैं फॉर्मूला दूध अगर पिलाना पड़े तो दूध की बोतल हमेशा स्टील या कांच की लो तो मैंने ये ब्रांडेड ली है मुझे पता नहीं है मी मी क्या लिखा है ये बट आप देख लो ये 570 की मुझे एक बॉटल पड़ी है और मुझे एक नई चीज़ पता चली मुझे नहीं पता था कि निप्पल को कितने टाइम में चेंज करना चाहिए मम्मा मम्मा आप तो देख ही नहीं रहे हो मैं सिर्फ कैमरा में दिखा रही हूँ देखा देख रही हूँ हमारे मम्मा को उनका इंटरेस्ट और ध्यान ही नहीं है देख रही हूँ ना देखा पता है इसीलिए सारी चीजें मुझे लानी पड़ती है हमारे मम्मा को कोई इंटरेस्ट और कोई नॉलेज नहीं है वो बोलते हैं बेटा जो लाना है ले आओ क्या जो भी लाना है ले आओ काना गाना गाओ गाना गाओ काकू ना बजो काकू यहां बैठ जाओ काकू छोटे बच्चे को बेबी को बजाओ कैसे बजाते हैं मम्मा को तो बेबू को लेके बाहर गए क्योंकि बेबू बहुत मस्ती कर रहे थे तो मम्मा उनको नीचे लेके गए वॉक कराने के लिए अब मैं आपको केयर किट दिखाती हूं जिसमें क्या-क्या है मैं आपको बताती हूं इसमें है ये भी देखो नेल्स कट करने के लिए है क्योंकि छोटे बेबी के ना नेल्स बहुत जल्दी आते हैं तो कैंची है ऑल्दो इसके साथ में ये नेल कटर भी है और इसके अलावा नेल फाइलर है ये और इसके अलावा ये है नोज़ क्लीन करने के लिए क्योंकि छोटे बेबी की नोज़ इतनी छोटी होती है कि आप खुद से हाथ से क्लीन नहीं कर सकते हो तो ये किट बहुत इंपॉर्टेंट थी तो मैं ये लेके आ गई हूँ इसके अलावा क्योंकि वाइप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो इसलिए मैं हिमालय क्योंकि मुझे रिव्यू चेक करने के बाद पता चला हिमालय काफ़ी अच्छा है तो मैं हिमालय के ये दो पैकेट ये लेके आ गई हूँ लेट्स सी बाकी मुझे धीरे धीरे समझ में आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का बेहतर है इसके अलावा कुछ खास है इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा जो मैं कल सॉरी जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ उसमें ये देखो मैं बताती हूँ स्टोरेज बॉक्स इसको बोलते हैं
शायद आपने ऑनलाइन भी देखा होगा, इसके अंदर इस तरह से ना कुछ ये लोहे के कुछ क्लिप्स होते हैं जिनको मुझे ऐसे सेट करना है, और ये स्टोरेज बॉक्स बन गया और ये इस तरह से बंद हो जाएगा। जैसे देखो मैंने इसमें सामान रख दिया, ये मैं चाह रही थी कि जब भी यू नो मैं बेड पे रहूँ 30 से 40 दिन और मैं अगर इधर से उधर ज़्यादा चीज़ें नहीं भी मतलब करना चाहूँ तो मैं मेरे पास में ही रख लूँगी, कुर्सी पे या टेबल पे या जैसे भी, ताकि उसके कपड़े भी एक जगह रहेंगे तो मुझे इधर उधर ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा उसके लिए, बेबी के लिए। तो मैं सारे उसके कपड़े उसका सामान सारा इसमें रख लूँगी और इसको अपने बेड के कहीं नियर बाई रख लूँगी ताकि मुझे ईजी रहेगा। और ये पैक हो गया चूहे जाने का और ऐसा भी कोई डर नहीं है, तो ये मुझे बहुत ही सही लगा। लेट्स सी बाकी इसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कितना मेरे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन मुझे अभी लगा कि एक स्टोरेज बॉक्स मुझे ले लेना चाहिए तो मैंने ये ले लिया। आई होप कि मेरी शॉपिंग आपको पसंद आई होगी। वैसे मैं भी नई मम्मा ही बन रही हूँ तो मैं भी चीज़ें ना बहुत यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करके उसके बाद लेने जाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस और इतना अनुभव नहीं है कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, बट होप सो धीरे धीरे सीख जाऊँगी और चीज़ें वैसे भी करते करते हमें समझ आती है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यूट्यूब को हमेशा ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहें। बाय बाय, खम्बा गणेशा।